है आपका आईबीएन 9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कक्षा पांचवी एवं आठवीं की बोर्ड परीक्षाओं को इस बार परिणाम निराशाजनक रहे, जिसको लेकर निजी स्कूल संचालकों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद प्रदेश सरकार एवं राज्य शिक्षण संस्थान द्वारा जो छात्र छात्राएं फेल हुए हैं उनकी पुनः परीक्षा लेने के निर्देश जारी किए गए थे। ऐसे में आज पांचवी व आठवीं के छात्र छात्राओं के हायर सेकेंडरी स्कूल हंडिया में परीक्षा सुबह 9 बजे से प्रारंभ हुई। कक्षा आठवीं इंग्लिश मीडियम के छात्र छात्राओं को जो पर्चा थमाया गया वह पर्चा कक्षा पांचवी का निकला, जिसकी जानकारी छात्रों द्वारा शिक्षकों को देते हुए हड़कंप मच गया। इस दौरान केंद्र अध्यक्ष GER चौरसिया ने मामले की जानकारी BRC हरदा को दी, जिस पर BRC द्वारा भोपाल जानकारी दिए जाने के बाद आनंद फानन में आठवीं के प्रश्न पत्र की PDF भेजी गई, जिसका प्रिंट आउट निकाला और छात्राओं को दिया गया, जिसमें करीबन आधा घंटा देरी से परीक्षा शुरू हुई। हंडिया से अवधेश तिवारी की रिपोर्ट। का आठवीं का पेपर जो 3 छात्र थे तो उस आठवीं के बंडल में 5वीं के पेपर निकले, जिसकी सूचना तत्काल BRC महोदय दी गई, उनके द्वारा व्यवस्था की गई, PDF भेजी गई, वो PDF निकाल करके बच्चों को देकर परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया है। कितने बजे चालू की गई परीक्षा? ये PDF हमारे पास लगभग 9:15 बजे आई थी, 9:30 बजे बच्चों को दे दिया। परीक्षा का टाइम क्या था? परीक्षा का टाइम 9 बजे। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।